हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है वो होती है मध्यमंडल। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। नदी का जो प्रदूषण स्तर होता है उसकी माप किसके द्वारा की जाती है? BOD के द्वारा की जाती है। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत को अवशोषित करती हैं। ओजोन परत जब धरती पर आती है तो उन्हें कौन सबसे पहले अवशोषित कर लेता है? वो पराबैंगनी किरण उसे अवशोषित कर लेती हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। समुद्र का जल पीने योग्य होता है, समुद्र का जो जल होता है वो हमारे पीने योग्य कितना होता है? 0.65%। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल अमरूद आंवला आदि खाने की सलाह देता है, वह व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है। हम सभी जानते हैं कि जो खट्टे फल अमरूद आंवला में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो हमें रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी जब रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और हमारी मांसपेशियां जोड़ों में भी दर्द रहता है। इसलिए हमें डॉक्टर बोलते हैं कि हमें खट्टे फल ज़्यादा खाने हैं जिससे कि हमें विटामिन सी मिल सके। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध अंडे तथा रोटी दिया जाता है वह सामान्यतः रोगी होगा। एक मनुष्य हो उसे क्या क्या दिया जाता है? दूध अंडे और रोटी, तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, हमारे पेट में हमें जब भोजन हम कर लेते हैं तो उसको पचाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खनिज की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जिस अंग में संपन्न होता है? जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जब पाचन होता है तो ज़्यादातर किस भाग में पाचन होता है? तो वो हमारा जो ज़्यादा पाचन होता है वो आमाशय में होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जिन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है, कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं जिनके लिए DPT का टीका दिया जाता है? वो है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो मेरी वीडियो है वो सजेस्टेड में नहीं जाती है और इससे क्या होता है, उन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो को देखें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मूव करते हैं आगे। अस्थमा बीमारी है, अस्थमा जो बीमारी हो जाती है वो किस चीज़ की बीमारी होती है? सांस की बीमारी होती है। सूखा रोग इसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। सूखा रोग किससे हो जाता है, मतलब किस चीज़ की कमी से हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से हमें सूखा रोग हो जाता है। इस बीमारी की दवा सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। यह बीमारी है, ये मलेरिया बीमारी है। मैंने NCERT के नोट्स में ये बताया था आपको कि सिंकोना के पेड़ छाल से जो बीमारी का इलाज किया जाता है वो होती है मलेरिया। अगर आप लोगों ने NCERT की समरी नहीं देखी है तो मैं इसमें उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो आप जाके प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह रोग कौन सा है? हमें मक्खियों के द्वारा, मतलब मक्खियों, गंदी मक्खियों के पानी वगैरह यहाँ से वहाँ चला जाता है, उससे जो बीमारी होती है वो होती है हमारी पेचिस। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बेरी बेरी रोग होता है, मतलब बेरी बेरी जो रोग होता है वो हम अक्सर जानते हैं कि बेरी बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी से होता है, लेकिन हमें विटामिन बी में से भी ये जानना होगा कि कौन सी विटामिन से होता है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है।
जंतु बसा जिसमें पाए जाते हैं। ऐसे मतलब जो बसा किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, दूध, पनीर, अंडा और मछली। बसा किन किन चीज़ों में पाया जाता है, दूध, पनीर, अंडा और मछली। वनस्पति बसा जिसमें पाए जाते हैं, अब जंतु बसा किस में पाए जाते हैं, दूध, पनीर, अंडा, मछली। अब वनस्पति बसा की बारी आती है, जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, बादाम, मूंगफली, नारियल और सरसों के तेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, लिंगोफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जब आप प्रीवियस ईयर्स को उठा के देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना कंटेंट मैंने इसमें लिया है जो प्रीवियस ईयर्स में आया है और एग्जाम्स में आने के चांसेस रह सकते हैं। तो जो लिंगोफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है, एक डिश है, वो किससे बनाई जाती है, वो सांप के मांस से बनाई जाती है। लिंगोफेन किसके मांस से बनाई जाती है, सांप के मांस से बनाई जाती है। लिंगोफेन प्रचलित है, मतलब ये कहाँ की फेमस डिश है, ये हांगकांग की फेमस डिश है। जल में घुलनशील विटामिन है, जो जल में विटामिन, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, वो हैं विटामिन बी और सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, बसा में घुलनशील विटामिन है, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो बसा में घुलनशील होते हैं वो, उनका नाम याद कर लीजिए, कीड़ा, के फॉर की के ई डी ए, कीड़ा, ए डी ई के, मतलब अगर ये कीड़ा याद कर लेंगे तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, के ई डी ए। नींबू, संतरा तथा आंवला में पाया जाता है। जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, तो नींबू, संतरा और आंवला जो है वो क्या है हमारे, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। सेब तथा इमली में पाया जाता है, सेब और इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक तथा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है, परंतु हम जब खाना खाते हैं तो उबालकर जब हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा रहता है लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो सुरक्षित नहीं होता है हमारे लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, भोजन पकाने का ढंग भूनने का विकसित रूप है। भूनने का विकसित रूप कौन सा है, सेंकना, मतलब उसे सेंक लेना, फ्राई कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं, शहद में है, शहद में क्या है, शर्करा और एंजाइम होते हैं। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है, मतलब हम भोजन में मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं, स्वादिष्ट बनाने के लिए व सुपाच्य बनाने के लिए। अगर हम भोजन में मसाले ही नहीं डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ना वो टेस्टी बनेंगे और ना ही हमारे डाइजेस्ट हो पाएंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके। चावल को धोने से कौन सी बीमारी, कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, जब हम चावल धो लेते हैं तो उसमें से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन बी, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, फलों का सेवन जिन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, हम फलों का सेवन क्यों करते हैं, हमें फलों के सेवन से क्या प्राप्त होता है, तो हमें फलों के सेवन से विटामिन प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आहार में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन प्रोटीन क्यों आवश्यक है, ये इसलिए आवश्यक है, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायता करता है, ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विटामिन का कार्य है, विटामिन का ऐसा मतलब कौन सा कार्य है, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। विटामिन जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवश्यक क्यों है, क्योंकि शरीर में फुर्ती बनाए रखते हैं। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, ये जो मिड डे मील चला आ रहा है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। एनसीईआरटी की समरी में मैंने करा रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, समरी कराई है मैंने, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस
समरी को जाके प्लीज़ चेकआउट करें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उस प्लेलिस्ट का, तो उसे आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप उसे 1 घंटे भी आराम से देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला ऊँची डाल पर बनाता है? कौआ है। वो कौन सा पक्षी है? कौआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, मतलब ग्रामीण शहरों में क्या होता है, गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीप दिया जाता है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? क्योंकि उन्हें कीड़ों से दूर रखा जा सके। इससे क्या होगा, अगर गोबर से अगर दीवारें लिपी होंगी तो उससे क्या होगा, कीटाणु दूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, मतलब मधुमक्खियों की तरह मधुमक्खी क्या होती है, एक साथ अपनी कॉलोनी में रहती हैं, लेकिन कौन है जो मतलब एक साथ कॉलोनी में नहीं रहता मधुमक्खी की भांति? तो वो मकड़ी है, मधुमक्खी की तरह कॉलोनी में नहीं रहती। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। ये एस्किमो जो लोग होते हैं वो इग्लू का निर्माण बर्फ से क्यों करते हैं? इसका ऐसा क्या कारण है जो वो अपना घर किससे बनाते हैं? बर्फ से बनाते हैं। वो बर्फ से अपना घर इसलिए बनाते हैं जिससे कि वो हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ की दीवारों के बीच जब हम वो बर्फ की दीवार बना लेते हैं तो जो उसमें मौजूद हवा होती है वो क्या करती है, अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। जो अंदर गर्मी होगी उसे अंदर ही रख लेगी और बाहर जाने से रोकेगी, जिससे कि सर्दियां कम लगती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ग्रेगर मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था? हम सभी जानते हैं ग्रेगर मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? मटर पर किया था। लेकिन क्यों किया था मटर पर? उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? जब हम लड़कों को अलग वर्क देते हैं, लड़कियों को अलग वर्क देते हैं, इससे क्या होता है, उनमें जो जेंडर वाइज की जो अंदर से फीलिंग्स आती हैं वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है, लैंगिक विभेद की भावना उत्पन्न हो जाती है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चा जो है उसे मतलब समाजीकरण का पहला पाठ जो होता है कहाँ से शुरू होता है? परिवार से शुरू होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का भी रक्त समूह क्या होगा? ओ। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अगर माँ और पापा जी का क्या है? ओ है, लेकिन कुछ और भी बच्चे का रक्त समूह हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ओ ही पाया जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर पर किया था। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन।